हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोग इग्नू में एडमिशन लेते हैं वो काफ़ी चिंता में होते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होता है, हमारा क्लास कब होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाता है, असाइनमेंट कब जमा किया जाता है, कैसे किया जाता है, अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा, सारा कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इग्नू में क्या क्या होता है। सबसे पहले इग्नू में साल में दो बार एडमिशन होता है, पहला जून और दूसरा दिसंबर। जो लोग जून में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जून में एडमिशन लेते हैं, जो लोग चाहते हैं दिसंबर में वो दिसंबर में लेते हैं। तो अगर एडमिशन लिए जून में तो एग्ज़ाम भी जून में ही देना पड़ता है। अगर लेते हैं दिसंबर में एडमिशन तो दिसंबर में देना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले हमें असाइनमेंट जमा करना पड़ता है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। ये एग्ज़ाम देने से पहले यानी एक महीना पहले ये सब किया जाता है। तो मान लीजिए जब आप जून में एडमिशन लिए हैं तो आपको मई में ये सब कंप्लीट करना होगा। मई में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, असाइनमेंट जमा करना होगा। उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम जिस दिन पड़ेगा उस दिन 10 दिन या 7 दिन पहले हॉल टिकट आपको ऑनलाइन दे दिया जाता है, जहां से आप उसे प्रिंट आउट करके आप एग्ज़ाम देते समय आप उसे ले जा सकते हैं। आप बोलिएगा कि हॉल टिकट होता क्या है। तो दोस्तों, हॉल टिकट में आपका सारा डिटेल रहता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कब दीजिएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, सारा कुछ दिया रहता है। तो दोस्तों, उस हॉल टिकट को लेकर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर परीक्षा दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उस सब्जेक्ट को आप दिसंबर में एग्ज़ाम देकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फेल होने के बाद ये नहीं कि आप सेकेंड ईयर में नहीं जाइएगा, आप फर्स्ट ईयर में रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिए हैं तो आप एग्ज़ाम दिए हैं तो फेल आ गए हैं, तो क्या मैं सेकेंड ईयर में जा सकता हूँ? तो बिल्कुल जा सकते हैं। इग्नू में ऐसा नहीं है कि आपको रोक दिया जाएगा, आप सेकेंड ईयर में चले जाइएगा, पर जो सब्जेक्ट जो फेल हुए हैं उसे आप एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में देकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इग्नू का यही रूल नियम है और ख़ास करके इसमें हर रविवार को ही क्लास होता है, इसलिए इग्नू में बहुत सारे लोग आते हैं ताकि वो अपना काम धंधा भी कर लें और साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट कर लें। इसलिए इग्नू यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग जाते हैं और अपना पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।